अगर ये घोस्ट आर्मी ना होती 3.5 लाख लोग होते तो छोड़ के ना भागना पड़ता, फिर वो लड़ते। चौदह अगस्त को ये वर्चुअली जंग 20 साल वाली ख़त्म हुई है, और वो जंग जो थी वो तकरीबन 60 मुल्क वर्सेस ये तालिबान थे, जिसके हाथ में सिर्फ आप राइफल देखते हैं, क्लाशनकोफ देखते हैं। ये जंग वो एक सिंपल राइफल मैन ने जीती है अगेंस्ट अ यूनिवर्सल एम्पायर, द माइटिएस्ट माइट ऑफ मिलिट्री, नेटो लेड बाय यूएस एंड देन आईएसएफ। तो अगर इनको हम कलेक्ट करें तो एक वक्त में 60 से ज़्यादा मुल्क थे, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन फोर्सेस थे, हु हैड द बेस्ट वॉर मशीनरी इन द वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी का बात कर लें, नंबर्स की बात कर लें, तो 75,000 तालिबान वर्सेस द मिलिट्री माइट ऑफ द होल ग्लोब वाज देयर टू फाइट देम। तो अगर उन राइफल वालों ने उस तमाम मिलिट्री माइट से ये जंग जीत ली है, तो अब ये जो यहाँ पे आर्म्स एमुनिशन असला रह गया है, ये उनकी कैपेबिलिटी में कोई इजाफा नहीं करेगा। दूसरी कैटेगरी है जो आर्म्स एमुनिशन ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, अफगान नेशनल आर्मी के लिए छोड़ के गए, इन द होप कि अशरफ गनी जो उनको कह रहा है कि 9 महीने साल तो मैं रोकूँगा तालिबान को, काबुल को नहीं मैं गिरने दूँगा। ये आर्म्स एमुनिशन असला वो था जो इन अशरफ गनी की फ़ौज के लिए छोड़ गए थे। अब वो जो फ़ौज थी वो ये थी कि पेपर्स पे ज़्यादा थी, ग्राउंड पे कम थी, बिकॉज ऑफ दैट करप्शन। वो घोस्ट भर्तियाँ दिखाते थे जिनकी तनख्वाहें, तमाम अखराजात ये अफगान एलीट जो थी अशरफ गनी की वो रिसीव कर रही थी। 3.5 लाख का बताया जाता था हमारे उसको, उनके 20 साल ये उसकी फंडिंग भी लेते रहे, वेपन इक्विपमेंट भी लेते रहे, वो मार्केटों में बिकता रहा दुनिया जहान में। और ये जो करप्शन की दास्तान है वो आपको पता है, दुनिया आप सारी इसके बारे में बोल रही है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट जो है अमेरिका की, वो 20 साल ये बात बताती रही है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसमैच जो अमेरिकन फोर्स क्लेम कर रही हैं अपनी सक्सेसेस की, उसमें और ग्राउंड रियलिटीज में बड़ा फ़र्क है। जो पैसों के एक्सपेंडिचर्स की बात करें उसमें भी बड़ा मिसमैच है, मिस अप्रोप्रिएशन बहुत विजिबल है। अब पूरी दुनिया को पता है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का, वो जिसमें इनके तमाम इदारे जो वॉर मशीन थे एसोसिएटेड, चाहे वो इंटेलिजेंस में थे, वॉर फाइटिंग में थे, वो सारे इसमें शामिल थे। और बहुत सारा पैसा था जो सिर्फ अमेरिका में जेब, एक जेब से दूसरी जेब में मुंतकिल हो रहा था, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा था। उसका कोई फ्रैक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर वो अफगानिस्तान की एलीट के हाथों में जा रहा था, वो भी उधर ही स्टैक हो रहा था, जिस पे कोई FATF को कोई फिक्र नहीं है कि वो पैसा प्लंडर्ड मनी जो थी वो यूरोप में या वेस्ट में या अमेरिका में ही मुख्तलिफ बैंक में पड़ी हुई है। तो ये जो असला आप बात कर रहे हैं छोड़ गए थे, इनके लिए कुछ तो वो ऑलरेडी आई एम श्योर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर लिया होगा। जो घोस्ट आर्मी थी, अगर ये घोस्ट आर्मी ना होती 3.5 लाख लोग होते तो छोड़ के ना भागना पड़ता, फिर वो लड़ते। तो ये असला आर्म्स एमुनिशन, ये जेन्युइन कंसर्न है कि क्रॉस बॉर्डर करके स्मगलिंग करके मुख्तलिफ मुल्कों में जा सकता है, हमें भी ये ख़तरा है, ईरान को भी होगा, तुर्कमानिस्तान को भी होगा, ताजिकिस्तान को होगा, किर्गिस्तान में भी होगा। लेकिन अब आता है बाइंग कैपेसिटी, फंक्शनैलिटी। आर्म्स एमुनिशन का ये होता है कि इररेगुलर हाथों में तो वो जा सकता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं, इसके लिए उनको बहुत सारे फासले क्रॉस करने होते हैं। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है ये मैक्सिमम जो है सील्ड है, सील्ड बाय बार्ड वायर नंबर वन, सील्ड बाय ड्रोन कवरेज, रडार कवरेज, एंड अबव ऑल पाकिस्तान फौज उस बॉर्डर को गार्ड कर रही है। तो अब स्मगलिंग ऑफ एनीथिंग, चाहे वो ह्यूमन स्मगलिंग है, चाहे वो कार स्मगलिंग है, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग है या आर्म स्मगलिंग है, इट इज़ नॉट ऑल दैट इजी एट इट हैज़ बीन इन द लास्ट 70 ईयर्स। अभी दुनिया बदल गई, हमें पता है कि ये स्मगलिंग हमारे मुल्क में हुई तो बहुत तबाही होगी,
ये सिविल वॉर जिसका अंदिया दिया जाता है कि ये अफगानिस्तान में होगी, ये आर्म्स एमिनेशन उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा डेंजरस है। अगर ये गलत हाथों में चले गए, तालिबान के हाथों से निकल गए और सो कॉल्ड वॉर लॉर्ड्स हैं जो रेंट पे हमेशा अवेलेबल होते हैं सबको, अगर वो ये उनके हाथों में चले गए तो सबसे बड़ा खतरा तो विद इन अफगानिस्तान है। तो वो अफगानिस्तान में सिविल वॉर जो होगी वो बड़ी ब्लडी होगी, बहुत डेडली होगी, एंड नोबडी सपोर्ट्स दैट। एंड आई थिंक तालिबान आज का जो है वो एजुकेटेड हैं, मैच्योर हैं, एंड दे विल मेक श्योर कि ये गलत हाथों में ना जाए। जो उनमें से वो यूज़ कर सकेंगे करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे उसको अपने पोजेशन में रखेंगे। और उनके स्पोक्स पर्सन ने पहले कहा है कि ये हम किसी को नहीं देंगे, ये उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, मेरा ख्याल है हमारी तरह सब ने तालिबान से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो इसकी प्रोलीफरेशन है इन आर्म्स एमुनिशन की, ये हमारे मुल्कों में ना हो। चीन को भी यही खतरा होगा कि ETIM के हाथ में ना लग जाए, उज़्बेकिस्तान को खतरा होगा IMU के हाथ में ना लग जाए, ईरान और पाकिस्तान को खतरा होगा इस्लामिक स्टेट जिसको कहते हैं उस प्रॉक्सी के हाथ में ना चले जाए, एंड लाइक दैट देयर आर सो मेनी प्रॉक्सीज। तो ये खतरात हैं, बट आई एम श्योर ये इसको एड्रेस किया जा रहा है सारे मुल्कों से। आई वुड से अमेरिका एंड द वेस्ट दे वर बेटिंग ऑन अ रॉन्ग हॉर्स, चाहे वो अफगान में गवर्नमेंट में थे, चाहे वो रीजनल कंपटीशन में इंडिया पे एक रॉन्ग हॉर्स पे बैटिंग की उन्होंने, पाकिस्तान को डंप करके उन्होंने, पाकिस्तान ने जंग जीती सोवियत के खिलाफ, अमेरिका ने डंप कर दिया और पाकिस्तान की बजाय गोद में इंडिया को उठा लिया कि आप चाइना को कंटेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट को लुकआउट कर। इंडिया ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी कबूल की कि जी पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर देंगे, ईस्ट से तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोज दे रहे हैं, तो अभी वेस्ट से। तो 20 साल उन्होंने प्रॉक्सी इतनी ज़्यादा लॉन्च किए, BLA क्रिएट किया, BRA क्रिएट किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, KPK में, वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कुलभूषण यादव को ईरान फॉर्चुनेटली ईरान के सरजमीन को यूज़ करके यूज़ किया, उसके कोई 350 हवारी पकड़े गए पाकिस्तान, ये सारे एविडेंसेस दिए। पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ दर्जनों इन्होंने अपने दफ्तर खोले हुए थे, कॉन्सलेट सब कॉन्सलेट के नाम से, जो बैठ के लोगों को सिर्फ पैसा देते थे कि इन्फिल्ट्रेशन करें पाकिस्तान में, धमाके करें, सैबोटाज करें, सबवर्जन करें। ये 20 साल पाकिस्तान ने मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जंग लड़ी और सारी अल्हम्दुलिल्लाह जीती है। तो ये पॉलिटिकल डिफीट है अमेरिका को और अलाइज के लिए, ये मिलिट्री डिफीट है आपके लिए, और ये इंटेलिजेंस डिफीट है। हम उनके वाइज फ्रेंड्स थे, हमने उनको बड़े मशवरे दिए, आपने 18 साल बाद जाके हमारी बात मानी, जब इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन जो पॉलिटिकल फैक्टर्स था, आप अंदर से कमज़ोर हो रहे थे, नेटो वाले भाग रहे थे, आज से पहले भाग गए, तो अमरीका वाज लेफ्ट अलोन। इनको पाकिस्तान को एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और ये फॉर ग्रांटेड जो लेते रहे हैं पाकिस्तान को, अभी ना ये वो तालिबान है तो ना ये वो पाकिस्तान। You got a better leadership, political leadership, military leadership, at every tier we have better people now. तो ये नहीं हो सकता कि ये आएँ और अपने विश लिस्ट दे के चले जाएँ जी वील बिकम देयर टूल्स अगेन, नेवर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये मेरा मानना है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा लग गया, एब्सोल्युटली नॉट, नो बेसिस, जब कह दिया है तो बस कह दिया। अब अगर ये अपने कोई इंटरेस्ट को पाकिस्तान के साथ कन्फ्लेट करना चाह रहे हैं, कोइंसाइड करना चाह रहे हैं, तो वी विल सी आर इंटरेस्ट फर्स्ट, देयर इंटरेस्ट लेटर। हमने बड़ा भुगत लिया इनके साथ कोऑपरेशन को, हमें 2010-2011 नहीं भुला, जब बॉर्डर पे हमारे जवानों को, अफसरों को अमेरिकन के हेलीकॉप्टर ने शहीद किया सलाला पोस्ट के ऊपर, 2010 में हमारे मासूम शहरियों को इनके रेमंड डेविस कॉन्ट्रैक्टर ने मारा जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ गलियों में फिर रहे थे, हमें नहीं भूला। इन्होंने हमें ट्रिपल क्रॉस किया OBL को मारने के लिए, हमें नहीं भूला। मुला मंसूर को ट्रिपल क्रॉस किया किसी और मुल्क से ला के नौशकी की सराउंडिंग में मारा, हमें नहीं भूला। तो ये चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए और गयूर पाकिस्तानी को याद रखनी चाहिए। अगर ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शन लग सकती हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर क्यों नहीं लग सकती? ईरान तो गलियों में यूरेनियम नहीं बेच रहा बंदा कोई, इनकी गलियों में रोज़ कोई 10-15 किलो लेके फिर रहा होता, ये मजाक है। तो ये तो इतनी तबाही की चीज़ है कि इसके बारे में तो बात करते हुए बंदे को शुभर आता है। तो ये जो हिंदुस्तान गेम खेल रहा है और ये जो
आपने हादसा बताया है, बहुत ख़तरनाक है। और पाकिस्तान को और ज़्यादा डिप्लोमेटिकली यूएन फोरम पे, आईएई फोरम पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको उठाना चाहिए। मेरा कहना ये है, इस पे जितना इसको एक्सपोज किया जाए उतना कम है, बिकॉज इसमें सिर्फ हमें नहीं ख़तरा, सबको ख़तरा, पूरी दुनिया को ख़तरा, हिंदुस्तान को खुद ख़तरा है। अगर हिंदुस्तान में कहिए, इनके अंदर देखें 28 रियासतों में, 19 में तो अलहदगी की तहरीकें चल रही है, अगर वही खरीद के उछकार डालें फिर क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट में 7 रियासतें हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट जिनको बोलते हैं, वो अलहदा चाहते हैं, खालिस्तान अलहदा चाहता है, पंजाब अलहदा, कश्मीर वाले अलहदा होना चाहते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद अलहदा होना चाहते हैं। तो अगर उनके किसी ग्रुप ने इनसे ये ख़रीद लिया और एक पटाखा इनके मुल्क में चला दिया, वो मुर्दा तो हम पे डालेंगे लेकिन उसका करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो हिंदुस्तान को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए।